नमस्कार, एसटीएफ न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरके रोशन। आइए देखते हैं अब तक की बड़ी खबर। जिले के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व एरिया बगहा से बड़ी खबर आ रही है, जहां चार नक्सलियों के एनकाउंटर की सूचना मिल रही है। यह कार्रवाई एसटीएफ और एसएसबी के तरफ से की गई है। फिलहाल इस एनकाउंटर को लेकर अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सूचना मिली कि एसटीएफ और एसएसबी के जवानों ने मुठभेड़ में चार नक्सलियों को मार गिराया है। 8 पुलिस कर्मियों की हत्या के मास्टरमाइंड विकास दुबे का आखिरकार एनकाउंटर कर दिया गया। एनकाउंटर में गंभीर रूप से घायल हुए विकास दुबे की मौत हो गई है। इस एनकाउंटर में कुछ पुलिस कर्मियों के घायल होने की भी खबर है। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने एक बयान देकर बिहार की सियासत को और गर्मा दिया है। रामविलास ने साफ कर दिया है कि चुनाव और सीट बंटवारे को लेकर लोजपा चीफ चिराग पासवान का ही फैसला अंतिम होगा। कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए एक बार फिर से 30,020 पदों पर शिक्षकों का नियोजन शेड्यूल आगे बढ़ा दिया गया है। कोरोना संकट की वजह से शेड्यूल में तीसरी बार बदलाव है। पहले अप्रैल, फिर जून और अब गुरुवार को नियोजन शेड्यूल को आगे बढ़ाया गया है। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने 65वीं कंबाइंड सिविल सर्विसेज मेन परीक्षा और 31वीं जुडिशियल सर्विसेज प्रीलिम्स परीक्षा को स्थगित कर दिया है। ये दोनों परीक्षाएं क्रमशः 4, 5, 7 और 9 अगस्त को आयोजित की जाएगी। सीएम हाउस के बाद अब कोरोना का फैलाव सचिवालय में भी हुआ है। डिप्टी सीएम सुशील मोदी के 4 स्टाफ को कोरोना संक्रमित पाया गया है। इसके बाद वित्त विभाग की ओर जाने वाले रास्ते को सील कर दिया गया है। सभी विभाग का ऑफिस और कॉरिडोर को सैनिटाइज किया जा रहा है। बिहार में बुधवार को बढ़े हुए तापमान की वजह से कपासी काले बादल की सक्रियता बढ़ी है, जिससे गुरुवार को पूरे दिन प्रदेश के कई हिस्सों में ठनका गिरने की आशंका है। गुरुवार से अगले 72 घंटे तक पूरे प्रदेश में भारी बारिश और ठनका गिरने की आशंका है। बिहार में कोरोना संक्रमितों की तेजी से बढ़ती संख्या पर रोक के मकसद से कई जिलों में वहाँ के प्रशासन ने कड़े कदम उठाए हैं। इसके तहत 11 जिलों में शुक्रवार से लॉकडाउन लगा दिया गया है। इसमें राजधानी पटना के साथ ही कैमूर, बक्सर, नवादा, सुपौल, मधेपुरा, खगड़िया, मुंगेर, किशनगंज, मुजफ्फरपुर और मोतिहारी जिला है। घटना मुंगेर जिले के हवेली खड़गपुर थाना इलाके के बघेल गांव की है, जहां पे नक्सलियों ने 2 लोगों की हत्या कर दी है। हत्या की जानकारी मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंच शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच में जुट गई है। ताजा मामला जमुई के सदर अस्पताल का है, जहां एक डॉक्टर समेत 5 कर्मचारी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिसके बाद से अस्पताल परिसर में हड़कंप मच गया है।